हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। तो सो चालू करें आज की क्लास। आर्टिकल का हम लोग का आज सेकंड डे है। तो कल हम लोग ने आर्टिकल का कुछ इंट्रोडक्शन लिया था, उस वो हम लोग ने ए और एन को समझा था कि ए का इस्तेमाल कब करते हैं, एन का इस्तेमाल करते हैं कब करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि कल के टॉपिक में अगर कोई डाउट हो कुल जो मैंने आपको समझाया था तो हम लोग उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके चलो। और ऑडियो वीडियो ये सब कुछ क्लियर है ये भी बता दीजिएगा, या ठीक थोड़ा जूम कर लूं ये लीजिए। ओके लगता है आप सब क्लियर है, जूम भी मैंने कर लिया है, लीजिए थोड़ा पीछे हो जाता हूँ। ठीक हाँ बिल्कुल आप सब सही है या बताएं सब कुछ ओके है तो हम लोग आगे बढ़े। यस आस्क मी डाउट्स अबाउट योर स्टडीज टॉपिक। विजिबल है सब कुछ, ऑडियो क्लियर है देख लें आप सबसे पहले। गुड इवनिंग, यस यस हाँ ठीक है, एवरीथिंग इज ओके या क्लियर। सियार, अदिति, गौतम पहाड़ी, निशांत, विपिन, नमूना, अर्जुन, ओके गुड इवनिंग एवरीवन। चलो चालू करते हैं आज की क्लास। तो कल मैंने आपको सच के बारे में बताया था, SUCH। अगर सिंगल नाउन के साथ यूज करते तो हमको ए और एन लगाना पड़ेगा एज पर द रूल, ये हमने देखा था। काउंटेबल नाउन सिंगल होगा तो ए और एन आएगा, अनकाउंटेबल नाउन में नहीं आएगा। ये प्लूरल में यूज करेंगे तो ए और एन आने का सवाल ही नहीं उठता है, ये हम लोग ने सच के साथ देखा था और ये सारी चीज क्लियर थी आप लोग को। चलो अब हम लोग नंबर वन में आ जाते हैं। ही वॉज जस्ट एन अगली बॉय, सेंटेंस राइट ही रहोगे बताइए। जस्ट जैसे सच के साथ हम लोग ने ए और एन का इस्तेमाल किया था, वैसे जस्ट के साथ भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखते हैं ये बताए नंबर वन सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग। एंड आज आर्टिकल्स का हम लोग सेकंड ही पढ़ रहे हैं, लीजिए इसके सारे रूल्स जो हैं, जो इंपॉर्टेंट रूल्स है जहां मोस्टली गलती होती है हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। राइट है राइट है, चलो ठीक है। सच नाउन सो, ये सो वाला नहीं है यार, चलो ठीक है। तो सच के साथ अगर सिंगल नाउन आता है तो हमको इसको देख के ए और एन लगाना पड़ेगा, ये सेंटेंस राइट है ना। सच एन अगली बॉय, तो अगली का जो प्रोनंसिएशन था वो हमारा वॉवेल वाला निकल रहा था, साउंड इसका वॉवेल वाला आ रहा था, इससे हम लोग ने एन लगाया, बिल्कुल सही है, सेंटेंस राइट है। अब देखो अगले वाले सेंटेंस में मैंने जस्ट के साथ में कंसोनेंट वाला साउंड लिखा है, बताइए इसको हमको राइट करके बताना है। यू आर जस्ट नॉटी बॉय प्लीज, सेंटेंस राइट है रॉन्ग है? यस सही है हम लोग फर्स्ट सेंटेंस। तो आप लोग इसको नोट करते ना, इसकी खास खास बातें कि सच के साथ जैसे ए और एन का यूज करते हैं वैसे जस्ट के साथ भी हम लोग यूज करते हैं, नाउन का आना बहुत जरूरी है। ठीक ये बात, कुछ चीजें जो खास बातें हैं उसको नोट करते जाएं आप लोग। यू आर जस्ट अ नॉटी बॉय कैप लिख रहे हैं सर, जस्ट इज यूज्ड यहां पर एडवर्ब के सेंस में यूज होगा ना, जस्ट जो है वो एडवर्ब के सेंस में यूज हो रहा है। कैप यू आर राइट, रॉन्ग को राइट करते जाएं आप लोग वो ज्यादा सही रहेगा। राइट को तो राइट बोलेंगे तो चलेगा, लेकिन रॉन्ग को राइट करके बताएं आप लोग। अ नॉटी बिल्कुल सही है, यू आर जस्ट अ नॉटी बॉय होना चाहिए। यस लवप्रीत गुड इवनिंग, बिल्कुल सही है। तो यहां हम लोग का ए नहीं था तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाता, अगर मैं ए लिखूं तो राइट हो जाएगा। अब ये सेंटेंस राइट हो गया, यू आर जस्ट अ नॉटी बॉय होना चाहिए, ठीक बिल्कुल सही है। तो जस्ट के साथ भी आपको क्लियर हो गया है हाँ। चलो एक सेंटेंस बनाओ, वह बिल्कुल अजीब बच्चा था, जस्ट का इस्तेमाल करके बनाना, वह बिल्कुल अजीब बच्चा था। और अजीब को हम लोग यूनिक भी कह सकते हैं, और ऑकवर्ड यूज करें, वर्ड यूज करें, डिफरेंट यूज कर दो बिल्कुल। चलो अमन सिंह हेलो, वह बिल्कुल अजीब बच्चा था। मिथिलेश सही आपका, एडजेक्टिव नहीं पढ़ा रहा हूं भाई, मैं आर्टिकल पढ़ा रहा हूं जिसमें ए और एन भी आ जाता है, आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं हम लोग।
यू आर जस्ट अ नॉटी बॉय, ये ऊपर वाले का जवाब था, ही वॉज जस्ट अ स्ट्रेंज और यूनिक बॉय, ठीक है यश वर्मा, ही वॉज वह एक स्ट्रेंजर था, नहीं बोलना है, जस्ट का इस्तेमाल करके बनाना विपिन, जस्ट का इस्तेमाल करते हुए बनाना है हमें, क्योंकि दो सेंटेंस मैंने आपको एक्सप्लेन किए, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि ही वॉज जस्ट अ डिफरेंट चाइल्ड, ठीक है ये भी कह सकते हैं हम लोग, ही वॉज जस्ट एन भी लगेगा ना मोहम्मद सद्दाम, हमको ऑड के पहले एन भी लगाना पड़ेगा, एन ओड बॉय सद्दाम, ही वॉज जस्ट अ डिफरेंट बॉय, ठीक है कैफ, ही वॉज जस्ट ए अ यूनिक बॉय मिथिलेश, बिल्कुल सही है, और कुलदीप, ही वॉज जस्ट अ यूनिक बॉय, बिल्कुल सही है, ही वॉज जस्ट एन 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 नहीं आता इसमें, स्ट्रेंज नहीं 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 स्ट्रेंज स्कूल हमको यहाँ पर ए ही लगाना पड़ता है निशांत, यहाँ पर स्कूल स्ट्रेंज में आपको ध्यान देना, यहाँ पर ए ही आता है, एन नहीं आता, ही वॉज सच नहीं, हम लोग जस्ट पढ़ रहे हैं, सच वाला राइट है, हम लोग जस्ट पढ़ रहे हैं यश, सच वाला रॉन्ग नहीं है आपका, हाँ है ना, ओके, ही वॉज जस्ट अ वर्ल्ड बॉय, बिल्कुल सही है, जी आर ये भी कह सकते हैं, ही वॉज जस्ट अ यूनिक चाइल्ड, बिल्कुल, ही वॉज जस्ट अ बिजेयर या स्ट्रेंज बॉय, बिल्कुल अदिति सही है, ठीक बिल्कुल सही है, यूनिक के साथ भी ए का यूज करना पड़ेगा, ही वॉज जस्ट अ यूनिक बॉय, ऐसा होना चाहिए, चाइल्ड है तो चाइल्ड होना चाहिए, ठीक, ही वॉज जस्ट अ यूनिक बॉय, मैंने चाइल्ड बोला था वैसे, आई सेड चाइल्ड, ही वॉज जस्ट अ यूनिक चाइल्ड, चलो बॉय ठीक है, हमने उसको ही बोल दिया तो वो बॉय ही होगा फिर तो, है ना, चाइल्ड होगा तो फिर उसको एट लिखना पड़ेगा, ठीक, आप लोग उसको यूनिक बोलते हैं, उसको डिफरेंट बोलते हैं, स्ट्रेंज बोलते हैं, बस आपको एज पर द रूल आपको उसमें आर्टिकल लगाना पड़ेगा, वर्ड बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं, ये सारे हो जाएंगे यूज, तो आई एम श्योर यू गॉट इट, ओके मोक्स गुड इवनिंग, हाँ बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल के सेंस में आ रहा है, यहाँ हमेशा नहीं, जस्ट के कई भी और अर्थ होते हैं, तो यहाँ बिल्कुल के सेंस में आ रहा है, बिल्कुल, चलो अब हम लोग नंबर तीन में आ जाते हैं, क्वाइट के साथ भी हम लोग ए और एन का यूज करते हैं क्वाइट के साथ, तो नंबर तीन पर ध्यान दो, आई एम क्वाइट गुड मैन, ये सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग है, राइट है तो राइट ही लिखना है, रॉन्ग है तो उसको राइट करके लिखना है, नंबर डालना ना भूलें, प्लीज पुट द नंबर, नंबर भी पुट करते जाएं आप लोग, ओके चलिए, डोंट फॉरगेट टू राइट द नंबर, सारे वीडियोज इसी में हैं, मैंने इसको डिलीट नहीं किया यश वर्मा, सारे वीडियोज जो है ना फिलहाल अभी इसी में रखे हुए हैं, आप उसको फिर से देख सकते हैं, है ना, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको लिंक भी सेंड कर दूंगा, बाकी सारे वीडियो इसमें रखे हुए हैं, आप मुझे मुझे पूछना, रिक्वेस्ट करना, मैं आपको सेंड कर दूंगा, सजेस्ट इज यूज टू कन्वे ओनली पॉजिटिव आइडियाज, इज इट मोस्टली, हम लोग मोस्टली पॉजिटिव आइडिया को ही कन्वे करने के लिए यूज करते हैं, यू आर राइट, आई एम क्वाइट अ गुड मैन, या क्वाइट क्वाइट जस्ट और क्वाइट का मतलब हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव सेंस पे यूज करते हैं, और जस्ट और क्वाइट लगभग सेम ही हो रहा था, आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं आई एम जस्ट अ गुड मैन, तो चलो सभी का राइट है यहाँ पर, चलो ओके ओके ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है यश आप मुझे क्वेश्चन कर लेना, मैं आपको बता दूंगा, रात भर देखने की जरूरत ही नहीं है, दो घंटे की तो है वो, ठीक है ना, इट्स ओनली फॉर टू आवर्स, वन वन आवर की क्लास होती है, तो यहां पर भी आपको ए लगाना पड़ेगा, आई एम क्वाइट अ गुड मैन, ए लगेगा, ठीक, एक क्वेश्चन दूं, ओके, तुम बिल्कुल ईमानदार डॉक्टर हो, लीजिए बनाइए, क्वाइट का इस्तेमाल करना है, तुम बिल्कुल ईमानदार डॉक्टर हो, कैसे बोलेंगे, तुम बिल्कुल ईमानदार डॉक्टर हो, कैसे बोलेंगे, लीजिए आई एम वेटिंग, तब तक मैं नेक्स्ट की तैयारी कर लूं, नहीं तो टाइम हम लोग का चला जाएगा, ये भी हो गया है, हैव अ ड्रीम, इंटरेस्ट
नाउ आई चेक यू आर क्वाइट एन ऑनेस्ट डॉक्टर. ओके बिल्कुल सही है, यू आर क्वाइट एन ऑनेस्ट डॉक्टर होना चाहिए. यस, तो यहाँ पर ऑनेस्ट का जो प्रोनंसिएशन है वो वॉवेल निकल रहा है इसलिए हमने उसके पहले एन का इस्तेमाल किया है. बिल्कुल सही है, यू आर क्वाइट एन ऑनेस्ट डॉक्टर होगा. यस, एवरीवन इज राइट, यू आर क्वाइट एन ऑनेस्ट डॉक्टर. यस, लेकिन एक बार ध्यान दीजिए, क्वाइट का यूज के साथ हम लोग ए और एन तभी लगाएंगे जब नाउन दिया हो. ध्यान देना, मोस्टली नाउन के साथ ही आता है ये बात. ध्यान देना, यू आर ओनली टू ऑनेस्ट डॉक्टर, यू आर अ डॉक्टर ऑनेस्ट इनफ. ओके, वेरी नाइस, यू आर क्वाइट एन ऑनेस्ट डॉक्टर लिखना पड़ेगा श्रीद्वार. सही है, बिल्कुल सही है, सभी के राइट हैं और जिसके रॉन्ग है मिला लीजिए आप लोग. ठीक, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, नंबर भी हम लोग का थ्री हो चुका, नंबर फोर में आ जाते हैं हम लोग. इट इज रेदर एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, ये सेंटेंस रेदर एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. ओके, नंबर फोर, चलिए नंबर फोर के साथ मैं ए भी लिख दूंगा. आप लोग नंबर फोर ए का भी जवाब दे देना, मैं यहां लिख देता हूं, इट इज अ रेदर, इट इज अ रेदर इंटरेस्टिंग स्टोरी. आप लोग फोर एंड फोर ए दोनों जवाब देना है. फोर ए में मैंने क्या कर दिया, यहां जो एन लिखा था उसको मैंने आगे लगा दिया, ए लगा दिया. इट इज अ रेदर इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो यू हैव टू आंसर बोथ फोर एंड फोर ए. यस, स्टार्ट. हाँ, नंबर भी डालते जाइए. चंदन मौर्य प्लीज नंबर लिखे, हमें समझ में नहीं आएगा आप किसकी बात कर रहे हैं. नो आइडिया, जिसको आइडिया नहीं है, अश्वनी सुन लीजिए, आइडिया नहीं है तो मैं भी एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में. हाँ, फोर, फोर ए रॉन्ग है. चंदन मौर्य कह रहे हैं कि फोर ए रॉन्ग है, फोर इज राइट. चंदन मौर्य कह रहे हैं फोर राइट है. इट इज अ रेदर, अच्छा तो निशांत आपने दोनों जगह आर्टिकल लगा दिया, रेदर के पहले भी लगा दिया और इंटरेस्टिंग के पहले भी लगा दिया. ओके, जय धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच. फोर रॉन्ग और फोर ए राइट, फोर ओके करेक्ट एंड रॉन्ग. नहीं यार, देखो रॉन्ग हो गया आप लोग का. रेदर के साथ एक हमें सुविधा है, ये दोनों सेंटेंस राइट है, दोनों राइट है इसका मैं बता रहा हूं आपको. रेदर के साथ अगर कोई एडजेक्टिव भी दिया रहता है और नाउन भी दिया रहता है तो दो तरीके होते हैं, आप चाहे तो आर्टिकल यहां भी लगा सकते हैं रेदर के बाद, रेदर के पहले भी आर्टिकल लगा सकते हैं, ये रूल है. फेयरली में ऐसा नहीं है, फेयरली में हमको पहले ही आर्टिकल लगाना पड़ता है, लेकिन रेदर के साथ दोनों जगह आर्टिकल लगाने का रूल है, आप दोनों जगह लगा सकते हैं. यहां पर प्रोनंसिएशन आ रहा था वॉवेल का तो एन लगाया, यहां पर जो प्रोनंसिएशन था रेदर का तो आर र ही आता तो ए आएगा. दोनों राइट है, बोथ आर राइट. यस, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये हम लोग पहले एडवर्ब वाले टॉपिक में मैं पढ़ा चुका हूं, आप लोग भूल गए. आई हैव डिस्कस्ड इन एडवर्ब्स टॉपिक, यस डिस्कस कर चुका हूं. ओके, रेदर का मतलब होता अपेक्षाकृत, अपेक्षाकृत हिंदी में अगर आपने सुना हो तो इसको अपेक्षाकृत कहते हैं. बोथ आर राइट, बिल्कुल. चलो, तुम अपेक्षाकृत बेईमान आदमी हो. हो को मैं थे कर देता हूं, पास्ट टेंस कर देता हूं, लीजिए. तुम अपेक्षाकृत बेईमान आदमी थे, पास्ट टेंस है. और बेईमान को डिसऑनेस्ट बनाएंगे तो अब आपको रेदर का इस्तेमाल करके बनाना है. तुम अपेक्षाकृत डिसऑनेस्ट आदमी थे, पास्ट टेंस का यूज करना है और रेदर का इस्तेमाल करना है. चाहे तो आप लोग आर्टिकल दोनों जगह लगा के बताइए, लीजिए. अभी एडवर्ब वापस लेना पॉसिबल नहीं है, मैं आपको भिजवा दूंगा क्योंकि एडवर्ब बहुत बड़ा टॉपिक है. यू आर रेदर अ डिसऑनेस्ट पर्सन, ठीक है. यू आर रेदर एन, अरे डिसऑनेस्ट के पहले एन कैसे आएगा यार, केफ क्या कर रहे हैं आप लोग, गलती ऐसी मत करो. कुछ लोगों से उम्मीद होती कि वो गलती ना करें. अब ये मत बोल देना कि बहुत ही हरी स्पॉइल्स करी माय डियर. यस यस यस, हरी स्पॉइल्स करी, प्लीज डोंट मेक अ मिस्टेक.
ओके चलो मैं आपका चेक करता हूँ, फेयरली पॉजिटिव बार बार साल है, करेंट ऑफ है, मैंने डाटा चालू किया है, मैंने मोबाइल के डाटा से मैं यूज कर रहा हूँ, मैं हो चुका है, प्लीज बताइए आर यू गेटिंग।